देखो तू बात करके लिंक तोड़ी है, कुछ कुछ बता देखो हम फिर याद आए वो कट कर दी जब ये फालतू बात है। अरे इसके लिए एज होता है क्या? बचपन से पैदा लिए, दूध पिए, खाना खाए, सब खाना किए, इसका एज क्या होता है? जब थोड़ा दम आ जाए तो सब शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे समाज में जो सुरक्षित रहना है इसीलिए चार वर्णों में बांट दिया उसको, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, समझ रहे हो ना? क्योंकि 25 साल तक खूब पढ़ाई लिखाई करो, काबिल हो जाओ, सेक्स के बारे में मत सोचो, है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, इसके बाद शादी कर लो, बाल बच्चे पैदा करो आराम से, कोई रोक नहीं ठोकने वाले, इसके बाद वानप्रस्थ, इसके बाद थोड़ा लोगों का कल्याण करो, फिर संन्यास लो, 100 साल की आयु को तय। बेटा आपका कहना सही है, इसके लिए एज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, इसका कोई एज नहीं है, और एज होता है वो दिखावे के लिए, अंदर अंदर साले गोल गोल होता है, समझे क्या? शादी केवल हो सकता है इस एज में, नहीं समझे, बाकी अंदर तो सब गोल। अब हमको पूछोगे तो हम सच बोलेंगे, गोल गोल में से हम शामिल नहीं। जो कानून कायदे है, जो प्रकृति है, सबों का एक ही है ना भाई। आप क्या अलौकिक हो? मैं अलौकिक, मैं तो बिल्कुल साधारण मनुष्य हूं भाई, सच बोलने वाला, सच बोलता हूँ। लेकिन ये सब टॉपिक बोलने से ना आप लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं, एडजस्ट करोगे, कुछ कंजर्वेटिव गांव का बच्चा आता है उनको क्या देंगे, अब गुरु जी हर सवाल का जवाब देंगे, बालक देना पड़ा, हम तो ये टॉपिक शुरू ही नहीं किए, नहीं सिखा करिए, आप दिमाग वाले हैं, खुले दिल वाले, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर बन जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हैं, और प्रेगनेंसी होगी उसका डिलीवरी आप कराएंगे, हमारी बेटियां भी कराएंगे, हमारे बेटे भी कराएंगे, क्योंकि उसको आपको एक पैशन है ना, एक प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, आपका धंधा है। अरे हमारे सारे बेटे आपकी तरह महिलाओं उसका नहीं लेकर बच्चा को निकालते हैं उसमें, तो कर्म है ना, वो मर जाती माँ, अगर बच्चे को नहीं निकालोगे तो मर जाती, रास्ते में मर जाती हॉस्पिटल जाने के पहले, ये सब कर्म है ना, वही तो सीख रहे हो। लेकिन एज पूछ दिया ना बालक, देखो एज क्या गवर्नमेंट है, क्योंकि बालकों को भी लड़कियों को भी साल के लिए पढ़ाई लिखाएगा, अब जल्दी शादी कर देगा, वो घर संभालेंगे कि वो पढ़ेगी, इसीलिए कर दिया ना पहले 21 है, तो बालिका भी पढ़ के काबिल बन जाएगी और लड़के भी पढ़ लेंगे तो सेट रहेगा लाइफ, दोनों मिल के काम करेंगे, पैसे भी अच्छे आएंगे, सब अच्छा। ओके तो देखो योग पर बात करो, पहला हो गया आपके दूसरों के व्यवहार कैसा होना चाहिए, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, हो गया बेटा समझ गए ब्रह्मचर्य? यस सर। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं कि आप सेक्सुअल रिलेशन बनाओ नहीं विवेकानंद की तरह, वो एबनॉर्मल होता है, क्या समझे? उसको कुछ खोजा, हिजरा उजरा कुछ बोलते हैं ना, वो समाज का कलंकित व्यक्ति। अच्छा ये तो बताओ, मान लो हमारी एक बेटी है, किसी हिजरा से अपनी बेटी को शादी करेंगे जी? नहीं। या कोई करेगा अपने बहन की शादी करो? हिजरा से करे सकती क्या? हर में भगवान होनी चाहिए, सरस्वती मान होनी चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं क्षेत्र है जिसमें कि तुम बेकार हो, समझ रहे? यस सर। अरे बहुत जरूरी, उसी से हम जन्मे भाई, और मैं बनाएगा प्रकृति का जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, देखिए आप लोग से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुखद शरीर होता है, जब पालन बालिका से मिलता है, तो आप दिल से पूछ रहे हैं तो दिल से जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे टॉपिक्स नहीं लाते, क्योंकि देखो यूपी वाले बच्चे गांव से आते हैं, वो अंदर अंदर बहुत बोल मार करते हैं, लेकिन बोला शरण की बात क्या है, लड़का जी बोला साहब शरण की बात क्या है, ये हम तो पढ़ ही रहे, चर्चा करने थोड़े आए थे, हम ब्रह्मचर्या दिखा रहे हैं कि अपने सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल में रखो, घोड़ा चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो तो स्टीयरिंग जैसे सीधा रखते हो ना, जिधर जाना उधर ही जाओ, अब मान लो उधर करोगे तो समाज का नुकसान होता है ना भाई, जंगल राज हो जाता है, डिसिप्लिन होनी चाहिए भाई, तो इसीलिए ये सब कानून बनाया गया है कि आप समझदारी से जिम्मेदारी से जिंदगी जियो, मर्यादित जिंदगी जियो, है ना, हर चीज के लिए समाज ने रूल्स कानून बनाए हैं, हमारा जो मैरिज इंस्टीट्यूशन इसीलिए बनाया गया है, मैरिज इंस्टीट्यूशन में आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपकी शादी हो गई तो रात में जाके ढोल खटखट है क्या कर रहे हो, उसमें कुछ भी करो भाई, अपने घर में कर रहे हो,
अब वही उल्टा पुलटा इधर उधर करो तो खूब मार का बेटी ने ब्रह्मचर्य पर सोचा इसलिए हम चर्चा ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है नहीं वो सोचती है कि मेरा बेटा होगा वो ब्रह्मचर्य होगा तो विवेकानंद बन जाए जी जी देखो क्या है उस पर अभी जाने नहीं जाएंगे देखिए इसमें क्या होता है आपका जो ये ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास तो वानप्रस्थ में होता है सबको सेट कर लो हम जिंदगी का दो भाग बिगड़ गए।